सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। सबको एक बड़ा मेजर कंसर्न था कि सर कंस्ट्रक्टर तो समझ में आ जाता है क्या होता है, लेकिन दो तरीके के क्या होते हैं, दो तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक कौन सा होता है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, एक कौन सा हमारा होता है डिफ़ॉल्ट वाला, और दूसरा हमारा कौन सा होता है पैरामीटराइज, दूसरा हमारा जो पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होता है, दैट मीन्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इन दोनों कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या रोल है दोनों कंस्ट्रक्टर का, तो मैं आपको एक बार वापस से ले चलता हूँ कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है जो कि क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, असाइन करता है। किसको वैल्यू असाइन करता है? आपका आपके इंस्टेंस वेरिएबल को। किसको असाइन करता है? इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे नाम ही बता रहा है क्या हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, इनको इंस्टेंस वेरिएबल किसके वेरिएबल्स होते हैं? ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स किसके वेरिएबल होते हैं? आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। तो अब सिंपल सी चीज़ है, क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट का कोई भी वेरिएबल हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समझना है, घर बनता है, क्या होता है आपका घर बनता है, तो उसके अंदर जब आप सोफ़ा लाते हो, जब आप क्या करते हो, सोफ़ा लाते हो, जब आप उसके अंदर टीवी लाते हो, जब आप उसके अंदर फ्रिज लाते हो, ठीक है, ये सब क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ उस घर के अंदर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उस घर के अंदर क्या कर रहे हो, कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो दैट मीन्स आपने दो तरीके का होता है, एक तो होता है कि जब आप घर बना रहे होते हो, एक समझना, एक जब इसकी वॉल्स बना रहे होते हो, जब घर को एक्चुअल में बना रहे होते हो, और बाद में एक जो रियल लाइफ की जो वैल्यूज़ लेके आ रहे होते हो। तो घर बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कह देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जब इसके अंदर वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू ऐड हो रही थी, क्या हो रही होती, एक्चुअल में वैल्यू ऐड हो रही थी। उसी तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है, हमारा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर उन इंस्टेंस वेरिएबल की ए बी सी, सपोज तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो ये उन्हीं को स्टोर करता है, ये उन्हीं को क्या करता है, स्टोर करता है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर बना रखा है अपने अपने प्रोग्राम में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो इनको वैल्यूज़ कौन सी असाइन होगी, इनको वैल्यूज़ कौन सी असाइन होगी, इनको वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ जो असाइन होगी वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, int लिखा हुआ है, int a कॉमा b कॉमा c लिखा हुआ है, तो a को 0 असाइन होगा, b को 0 असाइन होगा, c को 0 असाइन होगा, क्यों, क्योंकि int की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, int की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। यहीं पे अगर मान लेते हैं कि स्ट्रिंग s होती है, एक स्ट्रिंग क्या होती है, x होती है फॉर एग्जांपल, तो x की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, x की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डबल कोट्स होती है, ठीक है। यहीं पे एक कैर सी हो जाता है, कैर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, तो यहाँ पे आपका सिंगल कोट्स हो जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। उनको कैसी वैल्यू देता है, उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है, उनको क्या देता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं होती, बस उनको स्पेस भरने के लिए वैल्यू दे देता है, ठीक है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके, एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अभी से अब आगे से क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सारे हम लोग आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप का, दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप का, अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की बात करें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो यूज़ होता है, बाइट का सबसे पहले बात कर लेते हैं, जीरो होता है, उसके बाद फिर बुलियन की बात कर लेते हैं, बुलियन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा, आपका फॉल्स होता है, एक सेकंड, ये क्या होता है आपका, ये आपका फॉल्स होता है, ये आपका फॉल्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे आपका शॉर्ट की, आपका शॉर्ट की बात कर लेते हैं तो ये आप ज़ीरो होता है, फिर आपका कैर की बात कर लेते हैं तो ये भी क्या होता है, आपका सिंगल कोट्स होते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोट की, तो ये क्या हो जाता है, फ्लोट आपका हो जाता है 0.0f हो जाता है। उसके बाद आईएनटी की बात करें तो आईएनटी का 0 हो जाता है। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डबल की बात करते हैं तो डबल का क्या हो जाता है, 0.0d हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का क्या हो जाता है, डबल कोट्स हो जाता है। स्ट्रिंग का क्या हो जाता है आपका, डबल कोट्स हो जाते हैं इस तरीके से, ये क्या हो जाता है आपका, डबल कोट्स। तो सबकी क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो आप याद रखोगे, सबकी क्या होगी, आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो याद रखोगे। और अब से याद रखना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है, मतलब 4 हो गया, 9 हो गया, आपका एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी हो गया, तो ये सब आपको जब एक्चुअल वैल्यू देनी होती तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी कष्ट होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन का पूरा यूज़ किया करो। आप बच्चे लोग क्या करेंगे,
कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप फ्री हो इसके अंदर, जो भी आपके डाउट्स पूछने हैं उसको पूछ सकते हो। पर्सनल लेवल पे भी अगर डाउट पूछना है तो @BeUnique पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ICSC कनेक्ट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ICSC कनेक्ट आप जो है इंस्टाग्राम पे, आपके पास चैनल्स बहुत सारे खुले हुए हैं, ठीक है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। 9115221155 और 9115222339, ये दो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, इस पर भी आप क्या कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रीफर करना व्हाट्सएप करना। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।